सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की धरोहरों के साथ अब यहाँ के खान पान भी धीरे धीरे लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही दुकान पर लेकर आए हैं जहाँ आप स्वादिष्ट चाप का आनंद ले सकते हैं। अल्मोड़ा के अंजलि हॉस्पिटल के पास खुला है चाप बाजार। दरअसल अल्मोड़ा में इससे पहले तक कोई भी चाप की दुकान नहीं हुआ करती थी। अल्मोड़ा में जब से चाप की दुकान खुली है तो काफ़ी लोग यहाँ पर चाप का स्वाद लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों ने बताया इसका स्वाद इतना स्वादिष्ट है कि वह रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। इस चाप की खास बात यह भी है कि ये सोया चाप है और ये यहाँ पर 7 प्रकार की चाप बनाई जाती है, जिसमें मसाला, अफगानी मिलाई, लेमन, अचारी, स्टफ्ड मिलाई के अलावा स्टफ मसाले की चाप यहाँ पर बनाई जा रही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये चाप नॉन वेज है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में बनने वाली ये चाप वेज है। इस चाप में कई प्रकार के मसाले मिलाए जाते हैं, जिसमें नमक, मिर्च, मसाले, गरम मसाले के अलावा कई अन्य मसाले इसमें मिलाए जाते हैं और इनका स्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पर बैठकर भी खाते हैं और इसके अलावा लोग यहाँ से पैक करा के भी ले जाते हैं। हम जब भी कुछ चाप की दुकान देखते थे, मैं जब बाहर जाता था, हल्द्वानी जाता था या फिर दिल्ली जाता था, तो वहाँ पर कुछ चाप बाज़ार या फिर और चाप की दुकान जो अलग अलग नामों से खुली रहती थी, तो हम भी सोचते थे कि हम ऐसा कोई आउटलेट हमारे अल्मोड़ा में भी खुले। तो अब ये खुला है और मैंने टेस्ट किया है तो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। मसाले बहुत अच्छी तरह मिले पड़े हैं और बहुत अच्छा मैरिनाइज हुआ है, तो मस्ट ट्राई प्लेस है, तो आपको आना चाहिए। जो वेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा ऑप्शन खुला है यहाँ पर को अल्मोड़ा में, और जो नॉन वेज हैं उनको भी बिल्कुल कमी खलेगी नहीं यहाँ पर को नॉन वेज की, तो आना चाहिए यहाँ लोगों को, मस्ट ट्राई करना चाहिए। और सर हम यहाँ पर, मैं पर्सनली 3-4 बार आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मतलब नई चीज़ है शहर के लिए हमारे, तो अभी थोड़ा इसको मतलब एकदम से चलने में टाइम लगेगा, बहुत अच्छा टेस्ट है, आइएगा जरूर, लोगों को हम यही कहेंगे। हमारे पहाड़ में लोगों को अभी थोड़ा इस चीज़ के बारे में ये भी नहीं पता है कि ये चाप है, ये वेज है, नॉन वेज है। अभी इसमें थोड़ा सा शाकाहारी को ज़्यादा बड़ा बोर्ड में दिखाना पड़ेगा तो लोगों को पता चलेगा हाँ ये शाकाहारी है, अदरवाइज दिमाग में जो गांव से आ रहा है वो जो पुराना ट्रेडिशनली खाता है उसे लगता है कि यार ये नॉन वेज है, क्योंकि सीख में ऐसे लटका हुआ है जो कि नॉन वेज दुकान में ही यहाँ लटका रहता है पहाड़ों में, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है लोगों के, लेकिन यहाँ टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा, मैं कहूँगा कि अच्छा टेस्ट है। इसकी शुरुआत 26 जून को हुई है और जब से हमने खोला है काफ़ी लोगों ने जो पहले ट्राई किया हुआ था चाप, काफ़ी लोगों उसके द्वारा पसंद किया जा रहा है। अल्मोड़ा में जिन लोगों ने नहीं भी खाया हुआ था चाप वो आ रहे हैं और लगातार फिर हमारे चाप बाज़ार आ रहे हैं और खा रहे हैं, काफ़ी लोगों द्वारा ही पसंद किया जा रहा है। लोगों को तो पहले अंदाजा ही नहीं था कि सोया चाप भी कोई एक चीज़ होती है तो जब वो आते हैं क्लैरिफाई करते हैं कि ये नॉनवेज तो नहीं है, तो उनको पता लगता है कि सोया चाप है, तो उसके बाद ट्राई करके जो उनका मतलब फीडबैक रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, तो काफ़ी लोग रेगुलरली आ रहे हैं हमारे पास। अब चाप बाज़ार के खुलने का समय भी हम आपको बताते हैं, दोपहर 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये खुली रहती है और रविवार के दिन 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ये खुलता है और सोमवार के दिन ये चाप बाज़ार बंद रहता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।